बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करने लगे हैं 8614 कोर्स का यूनिट 9 इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स चॉइस स्क्वायर का टॉपिक 9.3 चॉइस स्क्वायर इंडिपेंडेंट टेस्ट। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और हमारे कोर्स 8614 का आई स्टडी करते हैं चॉइस स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज द सेकंड इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ चॉइस स्क्वायर टेस्ट है। इट इज यूज, ये कब इस्तेमाल होता है, टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ये हम यूज करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए द रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की। ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स कैन हैव टू मोर कैटेगरीज, हर वेरिएबल की दो मोर कैटेगरीज होती है। इट डिटरमाइंस If there is a significant relationship between, क्या determine करता है कि यहाँ पे अगर significant relationship है between two nominal, यानी के categorical variables, तो जो frequency होती है of one nominal variable is compare करता है with different values of the second nominal variable के साथ। The data can be displayed in R सी कॉन्टीजेंसी टेबल, वेयर यहां पे आर इज रो एंड सी इज द कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। द रिसर्चर वांट्स टू एग्जामिन, क्या चाह रहा है, एग्जामिन करना चाह रहा है क्या रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर, जेंडर में मेल और फीमेल, और एम्पथी, एम्पैथी क्या हाई है या लो है। द रिसर्चर विल यूज, क्या करेगा, यूज करेगा चॉइस स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। कैसे यूज करेगा, अगर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेड, देयर वुड बी नो रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड एम्पैथी। If the null hypothesis is rejected, अगर वो null hypothesis को reject कर देता है, उसका क्या मतलब, conclusion क्या आएगा? There is a relationship between gender and empathy. For example, say females tend to score higher on empathy and males tend to score lower on empathy. अब बात करते हैं चॉइस स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बीइंग अ नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक। चॉइस स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट को नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स के लिहाज से फॉलो लेस स्ट्रिक्ट अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस है, देयर आर सम जनरल अजम्पशंस व्हिच शुड बी टेकन केयर ऑफ। चार अजम्पशंस है। नंबर वन, रैंडम सैंपल, आपने जो सैंपल लेना है वो रैंडम होना चाहिए। Sample should be selected using simple random sampling method. जो आपके variables हैं, both variables under study should be categorical. ये हमने पहले भी यही चीजें study की हैं। Third में independent observations होनी चाहिए आपकी। Each person or case should be counted only once. हर person या case सिर्फ एक दफा ही count किया जाए and none should appear in more than one category of group. जो category बनाते हैं हम group की, उसमें एक से ज्यादा बार कोई भी person या case include या appear नहीं होना चाहिए. The data from one subject should not influence the data from another subject. एक subject का जो data है वो influence ना करे किसी दूसरे subject को. Fourth general assumptions क्या है, If the data are displayed in a contingency table, the expected frequency count for each cell of the table is at least, you have to expected frequency count on each year for each cell of the table is at least kitni honi chahiye, at least 5 honi chahiye. Ye four exemptions hai, random sample, variables, independent observation. और जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी काउंट है इस सेल की, वो 5 होनी चाहिए।
बोथ दी चाइस केयर टेस्ट आर समटाइम्स कंफ्यूज, बाद में ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। मेजर रिजल्ट लाइंस के साथ शो हो जाएगा। द चाइस केयर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ये क्या करता है, कंपेयर करता है टू सेट्स को ऑफ डेटा टू सी इफ देयर इज रिलेशनशिप। इंडिपेंडेंट टेस्ट क्या करता है चाइस केयर का, ये कंपेयर करता है टू सेट्स ऑफ डेटा को, किस लिए, ताकि देख सके टू सी इफ देयर इज रिलेशनशिप, के वहां पे कोई रिलेशनशिप है। अब सेकंड चाइस केयर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, जो सेकंड टेस्ट है चाइस केयर का, इज फिट वन कैटेगोरिकल वेरिएबल, ये किसके लिए फिट है, वन कैटेगोरिकल वेरिएबल टू अ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, चाइस केयर जो टेस्ट है वो समटाइम कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों टेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। चाइस केयर टेस्ट जो इंडिपेंडेंस है वो किस लिए यूज होता है, कंपेयर करता है टू सेट्स ऑफ डेटा को, ताकि दे सके टू सी इफ देयर इज रिलेशनशिप, के वहां पे रिलेशनशिप है। और चाइस केयर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है वो किस लिए फिट बैठता है, वन कैटेगोरिकल वेरिएबल टू अ डिस्ट्रीब्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 9 और 861 का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला इसके तमाम मटेरियल आपको मिल जाएंगे, बाकी चीज़ों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।